रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए पाटी नगर वासियों ने बाग रोटी का किया आयोजन। सुबह से नगर रहा बंद। पाटी क्षेत्र में बारिश नहीं होने से किसान परेशान है। क्षेत्र के किसान इंद्रदेव को मनाने के लिए परंपरागत तरीका अपना रहे हैं। मान्यता है कि रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। बारिश की लंबी खेत के कारण फसल सूखने की कगार पर आ गई है। क्षेत्र में अभी भी अच्छे मानसून व जोरदार बारिश की दरकार है। ऐसे में फसलों को पानी की आवश्यकता होने व रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए नगर पार्टी में शनिवार को प्रत्येक घर में महिलाओं ने चूल्हा नहीं जलाया। वहीं नगर के सभी दुकानें भी बंद रही। सुबह से नगर में सन्नाटा पसरा रहा। साथ ही पुरुषों ने भी खेत व नगर के बाहर काम नहीं किया। नगर वासियों ने क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना को लेकर बाग रोटी मनाई। जंगलों तथा खेतों में जाकर सामूहिक रूप से ग्रामीणों ने खेत में दाल बाटी बनाई और खाई। नगर के संतोष पाटीदार, विनोद पाटिल, मनोज खरे, जितेंद्र सोनी, मुकेश पाटीदार, अरविंद राठौर ने बताया कि ग्राम में अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना इंद्रदेव को मनाने के लिए नगरवासियों ने बाग रोटी का आयोजन किया। सुबह से कई लोग अपने परिवार के साथ अपने खेतों, जंगलों की और अलग अलग जगहों गए, बाहर भोजन बनाकर खाया। हमारे द्वारा कातर माता मंदिर परिसर में बाग रोटी के आयोजन में दाल बाटी बनाकर परिवार के साथ खाया। शनिवार दोपहर 12 बजे संतोष पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के देवता इंद्रदेव को प्रसन्न करने और बेहतर मानसून की प्रार्थना करने के लिए विशेष पूजा और सामूहिक दावत का आयोजन कर क्षेत्र में बेहतर मानसून और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। जिन्होंने इस वर्ष इस क्षेत्र से अपनी आंखें फेर ली है। राम मंदिर के राजू पंडित ने बताया कि रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए धार्मिक मान्यता अनुसार अलग अलग उपाय किए जाते हैं। पाटी नगर में शुक्रवार को हवन यज्ञ कर वरुण देव के नाम आहुतियां डाली गई। वहीं आज शनिवार को बाग रोटी का आयोजन किया गया। रूठे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ गणेश जी की मूर्तियों को पानी में डुबाया जाता है। साथ ही हनुमान जी की मूर्ति को गोबर से लपेट देते हैं। इसके अलावा गाँव में नकली अर्थी भी निकाली जाती है, जो कि दयनीय स्थिति को बताते हैं। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। संतोष पाटीदार। संतोष जी, बाग रोटी का आयोजन किया गया, क्या है मान्यता इसकी? इसकी मान्यता ये है, वैसे तो अभी हमारे पूरे ग्राम वासियों द्वारा निर्णय लिया गया कि जो इंद्रदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए निमाड़ क्षेत्र और मध्य प्रदेश में ऐसी वो है कि इंद्र भगवान को यदि कम वर्षा होती है तो मनाने के लिए इंद्र बाग रोटी, मतलब इधर उजवनी का कार्यक्रम भी बोलते हैं। किसानी खेती बाड़ी वाले और व्यापारी टोटल किसान पे आधारित है, क्योंकि किसानों के फसल पकेगी तो ही व्यापारियों को व्यापार चलेगा। इसलिए इंद्र भगवान से प्रार्थना करने के लिए आज उजवनी का कार्यक्रम पार्टी समस्त वासियों ने रखा है। क्या नाम है सर? जितेंद्र सोनी। आज बाग रोटी का आयोजन किया गया है। हाँ, कल सब ग्राम समिति और ग्राम के भाइयों ने, व्यापारी बंधुओं ने, सब ने एक निर्णय लिया कि वर्षा नहीं हो रही है, इसके कारण शनिवार के दिन बाग रोटी का रखा जाए। इस पर सबकी सहमति बनी और आज पूर्ण रूप से गांव बंद है और सब बाग रोटी का जंगल में आनंद ले रहे हैं और इंद्र देवता से निवेदन कर रहे हैं कि हे बाबा, कई गलती हो तो क्षमा चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी बरस जा, क्योंकि फसलें बड़ी स्थिति दयनीय होती जा रही है। और अगर सबकी इच्छा है कि आज रात को पानी आ जाए तो एक बाग रोटी और रख देंगे बाबा को। कितना समय हो गया पानी आने को? एक महीने के करीब हो गया पानी आ कर रहा है। ऐसा फसलें बर्बाद हो रही? हाँ, फसलें भी खराब हो रही। सब किसान और व्यापारी चिंतित है और बस यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वर्षा हो जाए। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम राजेश मंडलो है, भारद्वाज का। ये पार्टी में राम मंदिर में, राम मंदिर में पुजारी हैं, सेवा करते राम। बाग रोटी का आयोजन किया गया है, ये क्या क्या टोटके किए जाते हैं इंद्रदेव को मनाने के लिए? ये बारिश अगर नहीं होती है क्षेत्र में तो उसके लिए अलग अलग अपने अपने हिसाब से उपाय करते हैं। जैसे कल वहाँ हवन यज्ञ भी किया गया, कि उसमें भी आहुतियाँ वरुण देव की प्रदान की गई ताकि जल्दी वर्षा क्षेत्र में हो और जो किसानों को और सब व्यापारियों को नुकसान जो हो रहा है वो नहीं होने पाए, इसके लिए अलग अलग उपाय होते हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार भोलेनाथ को भी पानी में डुबाया जाता है, गणेश जी को पानी में डुबाया जाता है, हनुमान जी को पूरा गोबर से बंद करते हैं,
ये सब आने वाले वो कोई नकली अर्थी निकालते हैं, मतलब ये अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताते हैं, भगवान को दर्शाते हैं, तो उसमें ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और अपने वर्षा हो क्षेत्र में, ताकि खुशहाली बनी रहे, जल की कमी न हो। इसके लिए नहीं आने से आने करने के उपाय अपने करते हैं। आज भी उजवड़ी की जा रही है, जैसे पूरे गांव का बंद है और सभी बाग रोटी जिमने के लिए यहां पर आए हैं गांव के। क्या नाम है दीदी आपका? घर से बाहर आए हैं, खाना बना रहे हो, क्या कार्यक्रम है? ये बाग रोटी का कार्यक्रम है। कैसे मनाते हैं इसको? घर से बाहर जाके मतलब खाना बनाओ, दाल बाटी बनाओ और खाओ, पानी नहीं आ रहा, इंद्रदेव को पसंद करना। इंद्रदेव को मनाने के लिए घर से बाहर खाना बना रहे हैं, तो सभी लोग आए हैं क्या गांव के? सभी आए।